हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान। आप सभी को, खासकर गर्ल्स एंड लेडीज को, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, कब और क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी महिलाओं का दिन है जो पूरे विश्व में महिलाओं को सामाजिक से लेकर राजनीतिक जीवन में महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को मनाने और लिंग समानता पर बल देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन उनके द्वारा किए गए कामों की सराहना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका। बिना महिलाओं के योगदान के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, अतः इसके लिए जरूरी है लिंग असमानता खत्म करने की। ऐसे कई देश हैं जहाँ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। कई जगहों पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में शिक्षा में बहुत पिछड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इन असमानताओं को दूर करने के लिए, समाज को ध्यान दिलाने के लिए पूरे विश्व में महिलाएं एक साथ एकत्रित होती है। कई देशों में महिलाएं एकत्रित होकर मार्च, रैलियां निकालती हैं, कला कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, भाषण और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सभी असमानताओं से लड़ा और उपलब्धियां हासिल की। दोस्तों, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इतिहास जान लेते हैं। 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग अधिकारों की मांग के लिए, काम के घंटे कम करने के लिए और बेहतर वेतन मिलने के लिए मार्च निकाला। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने घोषणा के अनुसार 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी को मनाया। 1910 में केलरा जेटकिन नामक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हर देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस में 70 देशों की 100 से ज्यादा महिलाओं ने इस सुझाव पर सहमति जताई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई। उस समय उनका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को वोट का अधिकार दिलवाना था। 1911 को पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। 1913 में इसे ट्रांसफर कर 8 मार्च कर दिया गया और तब से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। 1975 में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। दोस्तों, इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। नारी, तुम प्रेम हो, विश्वास हो, आस्था हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आशा हो। हर जग का तुम ही हो, तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, बस एक स्त्री अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट, नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। एंड नेक्स्ट, अपना वजूद भुलाकर न जाने कितने रिवायतें निभाती है। सलाम हर उस खातून को जो घर को घर बनाती है।